इमेजिन कीजिए कि आप सुस्ती से एक रिक्लाइनर चेयर पर बैठकर संडे को अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं और आपकी मम आपका नाम पुकारती है और आपसे कुछ काम करने के लिए कहती है। आप सोचिए कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा उठकर ये काम करना। इमेजिन कीजिए कि आप इस ट्रैक पर 100 मीटर की अपनी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई आपसे तुरंत 1 सेकंड में रुकने के लिए कहता है। क्या आप ये कर पाएंगे? यदि आपको अचानक से राइट की ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? क्या आप फौरन मुड़ सकते हैं? दोनों ही सवालों का जवाब नहीं है। जी हां, आप रुक सकते हैं लेकिन धीरे धीरे। आप मुड़ भी सकते हैं लेकिन तेजी से नहीं। और यही कहानी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होती है। हर एक ऑब्जेक्ट वही करता है जो वो कर रहा है। अगर वो रेस्ट कर रहा होगा तो वो रेस्ट ही करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन इसे क्या बदल सकता है? जी हां, सिर्फ एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसे बदल सकती है। अगर वो रेस्ट में है और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है, वो मूव होगा। अगर वो कांस्टेंट मोशन में है और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है, या तो वो एक्सेलरेट करेगा या डायरेक्शन बदलेगा। ये और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये रही उसकी सही डेफिनेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाई जाए, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा जो वो कर रहा है जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। हम एक आसान डायग्राम से इसे समझ सकते हैं। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, वहां पर दो केसेस हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट करता होगा, या एक ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होगा। सिर्फ ये दो केसेस हो सकते हैं जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही बना रहेगा, और सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना रहेगा उसी वेलोसिटी से और उसी डायरेक्शन में। याद रखिए, ये दोनों केसेस तभी सही होंगे जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। अगली वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे।